सो तेजस्वी जगत्पते नमः। ओम पुष्पेण नमः। ओम पुष्पाय समर्पयामि। सावधान। हमको मन की शक्ति देना, मन को विजय करें, दूसरे की जैसे चले खुद को विजय करें। स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। स्वयं को जय करना, इस मन के बल को बढ़ाना है, मनोबल को योग के माध्यम से, और आनंद को प्राप्त करना है जीवन में। स्पीड बढ़ाइए। रिलैक्स। दोनों हाथ फैलाते अपनी कमर को घुमाएंगे, एक हाथ कमर पे, दूसरा कंधे पे, बढ़ते हुए दूसरी साइड। रिलैक्स रिलैक्स। लंबे गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, अपनी कमर को हिप्स को आगे ले जाए, आसमान की तरफ देखें। श्वास को निकालते धीरे धीरे नीचे आए, श्वास को निकाल के नीचे आए, श्वास भरते हुए फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ। श्वास को छोड़ते आगे की तरफ, सहजता से, सलीमता से, फिर भरते हुए फिर ऊपर की तरफ। और लेफ्ट हैंड राइट की तरफ ले जाइए, घुटने बिल्कुल सीधे रहे। फिर आगे धीरे धीरे सहजता से, ये कमर में दर्द नहीं होता है ऐसे कभी भी, ऐसे यदि आप दो तीन बार कर लेते हो तब। श्वास छोड़ते हुए आगे, दोनों हाथ साइड में लगाते हुए हथेलियां और कमर को गोल घुमाएं, कोशिश करें यदि कंधे मिलाने की। एडी नहीं उठाएं, एडी नहीं उठाने, श्वास लेके और एक साइड में करें, श्वास निकालते रिलैक्स, फिर श्वास भरते दूसरी साइड, रिलैक्स, फिर दूसरी साइड, रिलैक्स, फिर दूसरी साइड, रिलैक्स, रिलैक्स। श्वास लेते हैं अंगुली आसमान की तरफ, अपनी कोहनी को खींच के रखें, कोहनी सीधी रहे। श्वास निकालते देते भरते हुए अपनी तरफ, निकालते देते आप डाउन, आप डाउन, आप डाउन, आप डाउन। ये कंधे मजबूत होते हैं से, आप डाउन, कंधों के हाथ की मसल्स मजबूत होती है, आप डाउन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अपनी कलाई को, मुट्ठी को गोल घुमाइए, रिस्ट को घुमाइए गोल, बहुत अच्छे घुमाइए, शाबाश। अपोजिट, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, रिलैक्स रिलैक्स। दोनों अंगुलियां हाथों की अपने कंधों पर लगाइए, श्वास लेते हुए अपनी कोहनी को आसमान की तरफ, गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास निकालते ही कोहनी नीचे की तरफ, पीछे, चेस्ट बाहर, फिर भरते हुए फिर आप ऊपर, गर्दन बिल्कुल सीधा, पूरे मसल्स
एक्टिवेट हो जाते हैं, इससे मसल्स खुल जाते हैं, चेस्ट के मसल्स, कंधे के, गर्दन के, चेस्ट के विकार एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इससे फिर आप पोजिट घुमाइए, फिर भरते हुए फिर उठाएंगे, श्वास को निकालते हुए नीचे लाइए, रिलैक्स, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। घुटने मजबूत होते हैं, घुटनों में कभी दर्द नहीं होता है, उपज ठीक होता है, मूलाधार, स्वादिष्टान, नितंभ, जंगाहें ठीक होती है, सभ्यास से सियाटिका नाड़ी ठीक होती है। करते रहें, अप डाउन, अप डाउन, आप श्वास का ध्यान रखें, डाउन अप डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। श्वास लेते हैं एक साइड में, दोनों हथेलियों को रखें और आगे से गर्दन को घूमते निकालिए, फिर दूसरी साइड में श्वास भरते हुए दूसरी साइड में झुकाइए गर्दन को, फिर दूसरी साइड आगे गर्दन झुकाएंगे, गर्दन को आगे झुकाइए, फिर दूसरी साइड अच्छी तरह से ताकि पीछे की कमर आपकी सॉफ्ट हो, क्लियर हो। लंबे गहरे श्वास लेते हुए गर्दन को उठाते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए कमर गर्दन आगे झुकाएं, मुट्ठी का दबाव नाभि पे लगाएं और सामने देखें, बिल्कुल सामने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। श्वास को रोक के रखें, श्वास निकालते ही कमर गर्दन सीधी, फिर वापिस लंबे गहरे श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते ही कमर गर्दन झुकाइए, नाभि पे मुट्ठी का दबाव लगाइए और सामने देखें, श्वास को निकालते नीचे लाइए, भरते हुए फिर एक बार फिर श्वास को लेते हुए फिर हाथ ऊपर, श्वास निकालते फिर घुटना टच, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए फिर। हम दिन में स्वस्थ व्यक्ति 21,600 सांसें लेते हैं, 21,600 नित्य दिन आते जाते श्वास, तू मत खोवे धरी धरोड़ ने बंदे, ये धरी धरोड़ है कुदरत की दी, काम क्रोध मद लोभ की मट्टी फोड़ दे बंदे, काम वासना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से और अहंकार से हमारी श्वासें कम हो जाती हैं, तो इनको इनका दमन करें, इन विकार हैं, महाविकार हैं, इनका कोशिश करें दमन करने, इनके ऊपर संयमता नियंत्रण लाए, अति न हो, अति से विकार पैदा हो जाते हैं, रोग पैदा हो जाते हैं। रिलैक्स, दोनों पंजों को मिलाइए, बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए, जीवन के अंदर मानव शरीर हमारे को मिला है, कहते हैं कि पता नहीं कितनी योनियां पार करके और मानस की देही प्राप्त होती है, और इस मानस की देही प्राप्त करके भी हम अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंदर भूल जाते हैं हम स्वयं अपने आप को। चेतन का तो कोई बिरला ही होते हैं कुछ महापुरुष जो चेतन अवस्था में रहते हैं, तो इसीलिए जीवन में आए हैं कुछ परोपकार का भाव होना चाहिए, कुछ सेवा का भाव होना चाहिए, जीवों के ऊपर दया का भाव होना चाहिए। और कई जगह गए, बड़ी रुचि हुआ करती थी, बड़ी चेष्टा, बड़ा लगन, भागा दौड़ी, हल्का फुल्का फुर्तीला शरीर, तेजस्वी ओजस्वी प्रभावशाली, एक अलग ही हम। श्वास को भरते हुए फिर उठाएंगे आगे से गर्दन और चेस्ट, श्वास निकालते हुए नीचे आइए, फिर एक बार फिर उठाएंगे गर्दन और चेस्ट, उठाइए आगे से, खींचिए पैरों को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शरीर है सर आपका,
श्वास निकालते हुए फिर नीचे आइए। सावधान, चेतन अवस्था में आते हुए एडी पंजे मिलाइए, दोनों हाथों की हथेली कंधे के बराबर, भुजंग आसन का अभ्यास, हाथों की हथेली कंधे के बराबर कीजिए, वेरी गुड, और भुजंग आसन कीजिए। लंबा गहरा श्वास लेते हुए और आगे से चेस्ट को उठाइए, गर्दन और चेस्ट, वेरी गुड। श्वास निकालते हुए पीछे की तरफ कमर जाने दे, हाथ की हथेली वहीं की वहीं रहे, श्वास भरते हुए भुजंग आसन, श्वास को निकालते हुए शशांक आसन, भुजंग आसन। ग्रह मंडल में अमृत का कुआ जहाँ भ्रम का वासा, सुग्राव है भर भर पीवे नुंगरा रहता प्यासा, चलो उस देश में हे हिली मारी गयो ने वापस आए, लाला जड़ियो झाल रो हेरे हीरा रो जड़ियो नार, सोना रूपी साहेब हो जाको रूप चाहे न जाए, चलो उस देश में हे हिली मारी गयो ने वापस आए। जब हमारी चेतना जब उस सर्व आनंद में विलय हो जाती है तो फिर संसार की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, ये हमें योग सिखाता है। योग चित्रति निरोध है, आने जाने वाले जो विचार हैं, तरंगे हैं मन की तरंगों, उनको रोकिएगा। योग शास्त्र में लिख दिया मन रोकन का उपाय, सहस्त्र चक्र पर ध्यान कर जल्दी मन रुक जाए। कहते हैं कि जी हमारा मन रुकता नहीं है, इधर उधर विचार आते रहते हैं, सुरती को लगाइए ब्रह्मंडल में, धीरे धीरे आपका मन रुक जाएगा, आने जाने वाले विचार रुक जाएंगे। फिर तीन बांधो पांच खोलो आठ डालो काट रहे, और हंसो पियो रे पानी सुषमना के घाट रहे, हमारी चेतना अमृत का पान करती रहती है। ध्यान लगाने का जो रास्ता है, अलग अलग विधियों से ध्यान किया जाता है, ध्यान लगाना है हमारे श्वासों पे, जो प्राण है, जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, स्वतः ही श्वास अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, सिर्फ आपको वहां ध्यान लगाना है। बिल्कुल शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, रिलैक्स, शरीर में कहीं भी कोई खिंचाव ना हो, आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, आपके जो कंधे हैं बिल्कुल रिलैक्स, आपके दोनों हाथों की हथेलियां हैं बिल्कुल रिलैक्स, कहीं कोई खिंचाव नहीं, आपका जो सिर है माथा है बिल्कुल रिलैक्स। शरीर का सभी अंग बिल्कुल रिलैक्स, विश्राम अवस्था में, बिल्कुल विश्राम अवस्था में आप जमीन के ऊपर आसन लगा के लेटे हुए हैं, एकदम रिलैक्स, आपका मन बिल्कुल शांत, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, जो आपकी सूक्ष्म श्वास है जो अपने आप ही आ रही है, अपने आप ही जा रही है, अपना ध्यान उस पे लगाइए। श्वास पे ध्यान लगाइए, स्वतः ही श्वास हम ले रहे हैं, सूक्ष्म श्वास, और स्वतः ही श्वास को हम बाहर निकाल रहे हैं, अपने आप ही, सिर्फ सिर्फ आपको ध्यान लगाना है। श्वास लेने की इच्छा भी नहीं, निकालने की भी नहीं, बिल्कुल स्वतः अपने आप ही चल रही है, आनापान अवस्था।